मैंने दो स्टॉक चुने हैं आज के दिन, मुझे लगता है कल के लिए जो चलना चाहिए। एक तो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का जो बेसिक मूव पॉजिटिव है, एक अपू मिला है, और इसका जो स्ट्रांग सपोर्ट जोन ब्रिटानिया का है करीब 3550 के करीब है, 3580 का एक स्टॉप लगा सकते हैं ब्रिटानिया में। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 3650, 3700 आते दिनों में देखेंगे। तो सेफ्टी मार्जिन हाई है, अपू ऑन है, अब पॉज हुआ है, लेकिन यस अप मूव ऑन है। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है जेएसडब्ल्यू स्टील। वेल यहां पर भी कह सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में बहुत बढ़िया अप मूव मिला, फिर एक कंसोलिडेशन मिला करीब 5 दिन का, और आज का मूव काफी एनकरेजिंग है जेएसडब्ल्यू स्टील में। इसका जो टारगेट है 780 का है, मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होगा 750 जेएसडब्ल्यू स्टील। तो 780 डे हाई पर जेएसडब्ल्यू स्टील बंद हुआ और 780 के टारगेट्स अब प्रकाश सर को दिख रहे हैं। और दूसरा ब्रिटानिया, यहाँ पर भी डे हाई पर क्लोजिंग दी और यहाँ पर भी जो तेजी की तरफ टारगेट्स रहेंगे वो करीब करीब 3650 के आसपास के आप देख सकते हैं। अच्छा प्रकाश सर, आज दो सबसे अहम स्टॉक जिनके बारे में सब सुनना चाहते हैं, पहला नाम है भारती एयरटेल और दूसरा नाम है आईटीसी, ये दोनों चले हैं, चलेंगे आगे भी या अभी यहीं रुक जाएंगे? नहीं, भारतीय एयरटेल का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वो तो बढ़िया है, कहीं पर वीकनेस तो है नहीं। हाँ, एक बहुत अच्छा आपको मिला, इनफैक्ट सुबह मैंने आइडेंटिफाई किया भी था इसको, भारती को बहुत अच्छा आपको मिला। 600 मैंने पिछले दिनों दिया था टारगेट करीब 600 का, वो तो अचीव हो चुका, आज तो 620 भी देख लिया हमने। वीकनेस नहीं है, स्ट्रांग है। हाँ, इतनी दौड़ के बाद हो सकता है साइडवेज वो मिले, लेकिन भारती मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है करीब 560 के आसपास। तो मुझे लगता है भारती अब तक ठीक ही नजर आता है, अब फिर भी एक आपको मिल सकता है 620 का एक जोन यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस भारती में। और दूसरा आप बात आपने आईटीसी की बात की, वेल आईटीसी का बहुत ही बढ़िया आपको है, कंसोलिडेशन देखें हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर तो 200 और 215 के आसपास है। अब यहाँ पर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। काफी लोग बोलते हैं कि आईटीसी कब जाएगा ऊपर, मैं तो कहता हूँ ये बाय मोड पर है, एक दो दिन साइडवेज आता है कोई बात नहीं। मुझे आईटीसी का टारगेट 220 का नजर आता है, ये तो शॉर्ट टर्म है, एक बार 220 चला गया तो 225 भी आ जाएगा। हाँ, आईटीसी का स्टॉप 210 करके लगाकर चलें तो ये ट्रेडिंग बेट भी बनता है, लेकिन आईटीसी थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 240 का भी टारगेट मिलेगा आपको। तो आईटीसी मीडियम टर्म में 240 तक की चाल दिखना दिखा सकता है, मीडियम टर्म के हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ऊपर नीचे, लेकिन अदरवाइज 240 का टारगेट। और भारतीय एयरटेल, हाँ ये तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अच्छा गावा सर, आपने ये जेएसडब्ल्यू स्टील को चुना मेटल साइड से, आज मेटल में लेकिन जोरदार तेजी थी, सेल, एनएमडीसी, जेएसपीएल, नालको, सब में ही आज एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अगर कोई मिड कैप के दो नाम चुनने हो मेटल में तो वो कौन से होंगे? वेल जेएसपीएल अच्छा लगता है मुझे। वेल जेएसपीएल का जो देखा जाए चार्ट तो बढ़िया है, 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन था, फिर एक फ्रेश अप मूव शुरू हुआ, तो जेएसपीएल मुझे लगता है कि 436 तक जाना चाहिए, पॉसिबल है जेएसडब्ल्यू स्टील जाना चाहिए, और शायद 414 एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो अप मूव ऑन है यहाँ पर जेएसपीएल में। और रही बात मैं कहूँगा सेल, दूसरा एक स्टॉक है यस, सेल सेल पर भी ध्यान देना चाहिए। सेल का जो चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, साइडवेज मूव मिला 3 दिन का, फिर एक अप मूव मिला है सेल का, मुझे इसका टारगेट करीब 150 के करीब नजर आता है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, और स्टॉप होगा करीब सेल का 140 का, तो सेल में अप मूव है। यस, मेटल पर आपने सही बताया, परफेक्टली क्लियर, गुड। तो सेल 150 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे देखिए। और दूसरा नाम जेएसपीएल, पहले गावा सर ने दिया जेएसडब्ल्यू स्टील, और अगर आप दूसरे दोस्त नाम चाहते हैं तो जेएसपीएल और सेल आपकी स्क्रीन पर, आप इनको भी तेजी में देख सकते हैं। अच्छा गावा सर, दो नाम और देखिए, एक है चोलामंडलम फिनेंस, आज मिड कैप के गेनर्स में शुमार था, एफेंडो गेनर्स में भी यहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, और टेक महिंद्रा एक लंबे अंतराल के बाद यहां पर वापस बाइंग आनी शुरू हुई, आईटी की बाइंग में आज आउट परफॉर्मेंस यहां से आ रही थी, क्या करें इन दोनों में? टेक महिंद्रा और दूसरा कौन सा बताया आपने? चोला 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 फाइनेंस। चोलामंडलम, वेल चोला चोलामंडलम फाइनेंस का जो चार्ट इन्वेस्टमेंट है फिनेंस जो है। बहुत ही बढ़िया है, सॉरी चोला फाइनेंस का चार्ट बहुत ही बढ़िया है। इसका एक बहुत बढ़िया आपको मिला था, फिर 2 दिन का एक पॉज मिला चोला में, फिर एक आज का आपको बढ़िया है, मुझे लगता है चोला फाइनेंस काफी हद तक 560 तक जा सकता है, बहुत बढ़िया आपको है, और स्टॉप होगा करीब 520 का,
सेफ बेट है, अपमूव मिला है। अगर कल डिप मिल जाती है अर्ली मॉर्निंग में सेशन, तो मेरे ख्याल से एक मौका रहेगा खरीदने का। रही बात टेक महिंद्रा का, आज बल्ले बल्ले थे आईटी पैक की, ये तो कह सकते हैं। और टेक महिंद्रा ने भी साथ जरूर दिया। टेक महिंद्रा का चार्ट बढ़िया है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1280 के है, स्टॉक होगा 1220 का। तो टेक महिंद्रा में लगता है कि एक अपमूव है, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। और यस, टेक महिंद्रा अच्छा रहेगा, सेफ बैट रहेगा। 1280 टेक महिंद्रा के लिए आप टारगेट रखिए, 1220 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, दो नंबर भी आने वाले हैं उसमें, एक नालको का नंबर है और दूसरा, वैसे तो कल 19 एफएनडो कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, बड़ा हैवी अर्निंग डे है, लेकिन फिर भी आप नालको पे नज़र रखिए, कल नंबर्स इसके हैं और नंबर से पहले आज चला ही बढ़िया है। और दूसरा मुथूट फाइनेंस, इसके भी नंबर है, गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस में नंबर्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बाजार की नज़र भी रखेगा। लेकिन गाबा सर, नालको डे हाई पर ये भी बंद हुआ, मेटल में वैसे भी तेज़ी है, टेल विंड का भी सपोर्ट है और अर्निंग्स भी आने वाले हैं, तो उसका भी एक सपोर्ट रहा, 96-97 के स्तरों पर पहुंच गया और एक लंबे अंतराल के बाद ये लेवल्स पर वापस रिज्यूम कर रहा है। और दूसरा मुथूट फाइनेंस, यहाँ भी नंबर्स हैं और गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस ठीक ठाक काम कर गया है पिछले कुछ दिनों में, क्या करें मुथूट फाइनेंस के अंदर भी और नालको में? नालको का नेशनल एवेन्यू का चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। इनफैक्ट एक अपमू था और अपमू के बाद 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ और आज एक अपमू अच्छा मिला है। 94 का स्टॉप लगाना चले तो लगता है कि 100 को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब 96.50 पे ट्रेड कर रहा है और शायद 100 भी पार कर ले, लेकिन 100 की तरफ जरूर जा रहा है। रही बात मुथूट फाइनेंस की, ये चार्ट तो बढ़िया लगता है मुझे। मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस का एक साइडवेज जोन पर है, लेकिन चार्ट बढ़िया है। हो सकता है थोड़ा डिप मिले, डिप मिले तो शायद 1550 रहेगा, वहां पर शायद सपोर्ट मिले। अगर मुझे सिर्फ एक चॉइस चुनना पड़े मुथूट में और नेशनल एल्यूमिनियम में एक चॉइस हो, तो मैं डेफिनेटली नेशनल एल्यूमिनियम पे जाऊंगा।